स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ाएंगे आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नर्स कंपाउंडर परीक्षा का जो स्मृति पे आधारित प्रश्न पत्र है, उसके आधार पे हम आपको जो 83 प्रश्नों को हल कराएंगे इस वीडियो में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगामी जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो भर्तियाँ आने जा रही हैं, यूपी में जो वैकेंसी आने जा रही है 300 पदों के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो कैसे क्या होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए नए मेहमान हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं आपको आयुर्वेद फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक उपचारिका, PET एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अपने चैनल पर मैं कराता हूँ लगातार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। देखते हैं पहला प्रश्न, देखिए इसमें जो है पहले देख लेते हैं। सौजन्य से दिया है अजीत मोहम्मद, जो है आयुष फार्मासी CCRS जयपुर में हैं। और इसमें देख लीजिए जो है अपूर्वा जो है आयुष कंपाउंडर आयुष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बादी कुई में हैं। तो ये जो है इन्होंने अपनी स्मृति के आधार पे जो सारी चीज़ें बताई हैं, प्रश्नों को बताया है, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न लिया गया है, सरकारी विद्यालय में बच्चों के पोषण हेतु चलाने वाली योजना है, सरकारी विद्यालयों में बच्चों के पोषण हेतु चलाने वाली योजना कौन सी है? तो इसमें आपका होगा मिड डे मील। कौन सा होगा? मिड डे मील, टिक कर लीजिए आप लोग। चले प्रगति की ओर, दूसरा तले देख लीजिए, चले प्रगति की ओर स्लोगन है, प्रधानमंत्री द्वारा योजना, मुख्यमंत्री द्वारा योजना, गृह मंत्री द्वारा योजना, राज्यपाल द्वारा योजना। तो इसमें क्या होगा? तो ये है आपका प्रधानमंत्री द्वारा योजना, विकल्प ए सही होगा। देख लीजिए बिंदास बोल कैंपेन, बिंदास बोल कैंपेन जो है निम्न में से संबंधित है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें सी विकल्प सही होगा, कंडोम के प्रयोग के लिए। किसके लिए है? बिंदास बोल कैंपेन निम्न में से संबंधित है, कंडोम के लिए। इसे इंपॉर्टेंट समझ के नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, राजस्थान का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? प्रश्न नंबर 4, इसका ये विकल्प सही होगा, कल्याण सिंह। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, प्रभाकर वटी किस रोग का रोधा अधिकार है? प्रभाकर वटी जो है किस बीमारी में दिया जाता है? तो इसे दिया जाता है हृदय रोग में, नोट कर लीजिए। प्रसव पश्चात प्लान है, प्रसव के पश्चात कौन सा प्लान दिया जाता है? शिक्षा, परिवार नियोजन, धनार्जन, मकान बनवाना। तो इसमें 6वें नंबर में देख लीजिए, परिवार नियोजन का जो है कार्यक्रम जो है बताया जाता है, प्रसव के बाद प्लान किया जाता है परिवार नियोजन का। प्रश्न नंबर 7 लीजिए, इसमें लिखा दसांग लेप निम्न में से किस रोग में प्रयुक्त किया जाता है? ज्वार हर, सोथ हर। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका बी विकल्प, यानी सोथ हर में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। आगे इसके कुछ विकल्प दिए हैं, श्वासहर और काशहर। तो इसमें आपका जो मैंने बताया है कि ये जो है सोतहर में आपका इसको प्रयोग करते हैं, बी विकल्प सही होगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर आठ देखेंगे, निम्न में से भकंदर का भेद नहीं है, निम्न में से भकंदर का भेद नहीं है, तो ये होगा सहज जो है ये भकंदर का भेद नहीं है। निम्न 8वां 9 नंबर प्रश्न देख लेंगे, हिस्टामिन किससे सिक्रेट होता है? हिस्टामिन किससे सिक्रेट होता है? तो मास्ट सेल से जो है हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है, इसे टिक कर लीजिए आप लोग। मास्ट सेल से जो है हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है, इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है? प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए, कुष्ठ की औषधि है, कुष्ठ की औषधि है इसका होगा खादिर। खादिर जो है खादिरारिष्ट के नाम से बैद्यनाथ डाबर कंपनियां बनाती हैं, ये कुष्ठ की औषधि है, इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है, शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है, प्रश्न नंबर बी जो है विटामिन्स जो है सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत होगा, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, कितने राज्य में राजस्थान की सीमा लगती है? प्रश्न नंबर 12 का इसका होगा ये, यानी कि 5 राज्यों में राजस्थान की सीमा लगती है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, इसका देख लीजिए क्या होगा,
तो निम्न में से कौन सा द्रव्य पुराना ग्रहण करना चाहिए? निम्न में से कौन सा द्रव्य पुराना ग्रहण करना चाहिए? गिलोय, बिडंग, अमल की भल्लांतक। 13 का होगा बी, बिडंग। बिडंग जो होता है ये पुराना जो है ग्रहण करने से इसका जो है लाभ कई गुना बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। निम्न में से बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? 14 का बी होगा, यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कर लीजिए, अधिकतर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, IMP है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। कांस हरित की किस रोग में प्रयोग होता है? तो ये होगा शोथ रोग में, प्रमेह में नहीं होगा, रक्तपित्त में नहीं होगा, गुल में नहीं होगा, यह होगा शोथ रोग में से, नोट कर लीजिए। है कि अगस्त हरित की निम्न में से किन रोग में प्रयुक्त होता है? अगस्त हरित की निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो ये कांस में प्रयोग होगा, श्वास में प्रयोग होगा, हिक्का में प्रयोग होगा, यानी कि उपयुक्त सही जो है इसका विकल्प सही होगा डी विकल्प, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर देखेंगे। भारत सरकार द्वारा सफाई के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम है स्वच्छता ही सेवा मिशन, ये जो है बी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। शिशु भैषज किसे कहा गया है? शिशु भैषज किसे कहा गया है? तो ये होगा अतिविषा, इसको जो है शिशु का भैषज कहा गया है, अतिविषा जो होता है इसे शिशु का भैषज कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रसव के बाद होने वाली IUD है, प्रसव के बाद होने वाली IUD है, तो कॉपर टी जो होती है प्रसव के बाद होने वाली IUD है, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, यानी कि विकल्प ये सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21 देखें। बेटी बचाओ स्लोगन है, बेटी बचाओ स्लोगन है, इंपॉर्टेंट होगा, भ्रूण हत्या रोकने के लिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। त्रिजात में निम्न में से कौन सा द्रव्य है? त्रिजात में निम्न में से कौन सा द्रव्य है? तो ये होगा एला, एला जो होता है ये त्रिजात में से मुख्य द्रव्य होता है, इसे नोट कर लीजिए। ये ऑड इवन फार्मूला भारत में कहाँ लागू किया गया? 23 होगा, इसका होगा दिल्ली, दिल्ली में इस फार्मूले को लागू किया गया। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। लघु पंचमूल यवक्षार शिला जातु का प्रयोग निम्न में से किस रोग में किया जाता है? किस रोग में किया जाएगा बता दीजिए आप लोग। 24 का इसका होगा मूत्र कृच्छा में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। अमृत घृत प्रयोग होता है, अमृत घृत प्रयोग होता है, 25 का डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसे पांडु रोग में भी प्रयोग करेंगे, कृमि में भी प्रयोग करेंगे, विष में भी प्रयोग करेंगे, तो अमृत घृत सब जगह होगा क्योंकि नाम ही इसका अमृत घृत है, तो ये इसके गुण भी उसी तरह हैं, तो सभी रोगों में इसको प्रयोग कर लेंगे जो इसमें विकल्प दिए हुए हैं। 26 प्रश्न देखेंगे। गुड़नागर का प्रयोग होता है, गुड़नागर का प्रयोग होता है, ये होगा आपका शोथ रोग में, जब सूजन हो जाती है शरीर में किसी भी अंग में तो गुड़नागर का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट होगा। 27 देखेंगे। पंचगव्य घृत कौन से रोग में प्रयोज्य है? पंचगव्य घृत कौन से रोग में प्रयोग है? तो ये होगा उन्माद में प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 28 देख लीजिए आप लोग। 28 में क्या बातें कही गई हैं? इसमें कहा गया कि कंटकारी घृत प्रयोग होता है गुल्म रोग में, काश में, प्रमेह में, कुष्ठ में, 28 का बी होगा, यानी काश रोग में प्रयोग करते हैं, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा। ये एरिस्पत निषेध है तो ये किस में होगा आप बता दीजिए फटाफट। काउज दिया है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, फीवर, हेपाटाइटिस,
तो इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में से जो है निषेध कर दिया गया। प्रश्न नंबर 30 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि निम्न में से किस रोग में दंत्यारिष्ट का प्रयोग होता है। ज्वर दिया है, अतिसार दिया है, अर्श दिया है, रक्तपित्त दिया है। तो 30 का क्या होगा, सी विकल्प, यानी कि जो है अर्श रोग में जो है दंत्यारिष्ट का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए।